नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप अपने हाथों में देखें गुरु बृहस्पति देव के दोष और उसके निवारण क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा जैसे कि हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा, जिसको हम विचारों की रेखा कहते हैं, हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। तो आइए, जैसे कि कहते हैं ना कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, और ये कुंडली में या हस्त रेखा में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसका जीवन में प्रभाव काफी पड़ता है। अगर ये दोष हो जाता है बृहस्पति का, जैसे कहते हैं ना बृहस्पति खराब हो जाना, तो आपको कई तरह की तकलीफें पैदा करना, कई चीजों की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ना। अब ये बृहस्पति दोष कैसे बनता है अपने हाथ की रेखाओं में देखते हैं। सबसे पहली ये जो बृहस्पति का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं। गुरु का पर्वत, ये गुरु का पर्वत है। ये गुरु का पर्वत जो दब जाता है ना, तो अपनी पावर को नहीं दे पाता है, या गुरु का पर्वत खिसक जाना, ये भी अपनी पावर को नहीं दे पाना, खराब हो जाना। अब जैसे ये दब जाता है, पावर इसकी खत्म हो रही है, ये पावर देने के काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से अब ये गुरु का जो पर्वत है, ये शनि के पर्वत की तरफ खिसक जाए, ये भी आपका गुरु का पर्वत खराब हो गया। और इसी प्रकार से यहां पर जाल बन जाए तब भी आपका गुरु का पर्वत खराब हो गया। और यहां पर तिल बन जाए तब भी गुरु के पर्वत में कमी आती है। और ये गुरु की फिंगर जो है ना, शनि के फिंगर से ये बड़ी हो जाए और सीधी हो जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो की भावना होती है, घमंड की बातें करता है ऐसे लोग। जब सूर्य की अंगुल से और गुरु की अंगुल बड़ी हो जाए, तो ऐसे लोग अहंकार जैसी भावना बातें करते हैं। और ये कुंडली में अगर गुरु खराब हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा कष्टमय जीवन हो जाता है। अगर ये स्त्री के हाथ में है किसी, तो उसकी शादी नहीं हो पाती है, और अगर शादी हो भी जाती है तो वैवाहिक जीवन जो होता है ना, काफी कष्टमय जीवन उनका बन जाता है। और ये गुरु खराब होने से आपको लीवर की प्रॉब्लम देता है, पेट की प्रॉब्लम देता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, इन सारी चीजों को ये गुरु ही देता है फल। अगर ये गुरु अच्छा है तो आपको ज्ञान देगा अच्छा, आपको बुद्धि देगा, आपको सत्कर्मों में लगाएगा, आपका मान सम्मान दिलाएगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके हाथ में, गुरु का पर्वत खराब हो गया, तो इन चीजों से जुड़ी हुई चीजें आपको नहीं देगा, और आपका मान सम्मान जो अथॉरिटी का ग्रह माना जाता है उसका, और गुरुदेव अगर अच्छे हो तो आपको सारे ऐसे लोग एक तरह का लीडरशिप की क्वालिटी ग्रहण करता है, हर किसी भी संस्थान में वो एक तरह का मार्गदर्शन का काम करता है। और इसी के दोषों को कम करने के लिए इसके हम उपाय करते हैं, जैसे कि हम गुरुदेव को, अगर ये हमारे हस्तरेखा में गुरु का पर्वत दबा है, तो हम क्या करते हैं, सोने के अंगूठी में गुरु बृहस्पति देव का, जैसे कि यहाँ पे पुखराज माना जाता है, रतन
पुखराज डाल के अगर वीरवार के दिन हम इसको धारण करते हैं, जो गुरु की खराब अवस्था है उसको ठीक करने का काफी पावर मानी जाती है और गुरु ठीक होने लगता है और आपको शुभ फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से अगर आप गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करते हैं ना, तो आपकी मैरिज लाइन, जो मैरिज में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी समाप्त होने लगती हैं और कई तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। और गुरुवार के दिन अगर आप किसी गाय को आप जैसे कि चने की दाल, गुड़ वगैरह मिलाकर गाय को खिलाते हैं ना, तो काफी गुरुदेव के शुभ प्रभाव मिलते हैं आपको। इसी प्रकार से किसी गुरुजनों का सेवा करना, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, गुरु की कृपा प्राप्त होने लगती है। और इसी प्रकार से अगर इन चीजों का उपाय आप करते हैं और वीरवार के दिन व्रत भी रखते हैं, तो आपको गुरुदेव की अपार कृपा, जो ये सारी विघ्न बाधाएं हैं, ये समाप्त होती है और आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव जो हस्तरेखा में है, काफी अहम रोल निभाते हैं, उच्च अथॉरिटी देने वाले होते हैं, मान सम्मान का ग्रह माना जाता है। अगर वो मान सम्मान वाला ही ग्रह खराब हो जाए तो जिंदगी हमारी जो होती है ना, एक पटरी पे आना, एक लोगों के बीच में मान सम्मान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।